नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का एंट्रेंस एग्जाम समाप्त हो गया है और अब आप सबको इंतजार है रिजल्ट का। लेकिन इसके बीच काशी विद्यापीठ द्वारा जारी किया गया है कि किस कोर्स में इस बार कितने आवेदन आए थे, और वही मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि आज मैं आपको यही बताने वाला हूं जो कि यहां पे अपडेट में दिया गया है कि लगभग आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हालांकि अगर आप देखेंगे तो सारे कोर्सेज में डाटा नहीं दिया गया है, लेकिन जो मेन मेन कोर्सेज जहां पे कंपटीशन ज्यादा होते हैं वहां का डाटा दिया गया है। लेट सपोज अगर हम बीए की बात करते हैं कि बीए में लगभग 1100 सीटें हैं, जहां पे 4506 अभ्यर्थियों यानी कि 4500 के आसपास अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया था। बीकॉम में 173 सीटें हैं पेड और रेगुलर काउंट करके, तो उसमें आप 3734 आवेदन आए थे, एप्लीकेशन आए थे। अगर हम बात करें बीएफए की तो केवल 66 सीटें थी और 622 आवेदन आए थे। और हम बीएससी मैथमेटिक्स की बात करें तो 193 जो है सीटें हैं और 1150 आवेदन आए थे। अगर हम बीएससी बायोलॉजी की बात करें तो 132 सीटें हैं और 1600 जो है 70 आवेदन आए थे। अगर हम बात करें बीसीए यानी कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन की तो 66 सीटें हैं और 800 आवेदन आए हैं। अगर हम बात करें बीकॉम यानी कि 105 सीटें हैं, माफ करिएगा एमकॉम, यहाँ पे 105 सीटें हैं और 1152 जो है यहाँ पे आप फॉर्म आए हैं। अगर हम बात करें एमएससी की, ठीक है, जो कि एमएससी बॉटनी लग रहा है हमको, 33 सीटें हैं और इसके 275 सीटें आए हैं। अगर हम बात करें एलएलबी यानी कि 3 इयर्स कोर्स, इसमें 1600 जो है 83 आवेदन आए हैं। और हम बात करें बीएलएलबी की, जिसमें 66 सीटें हैं और 1086 आवेदन आए, यानी कि मेन मेन कोर्सेज का ही विद्यापीठ ने डाटा यहाँ पे दिया हुआ है जहाँ पे कॉम्पिटिशन ज्यादा है। ठीक है, तो सारे कोर्स में नहीं दिया गया है, अदरवाइज मैं आपको बताता। हालांकि मैं प्रयास करूंगा कि अगर मुझे कहीं से डाटा मिलता है तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो बस आपको बताना था कि भाई ये सीटों का विवरण है और ये आपका फॉर्म का। तो जहां पर अगर आप यहाँ देखेंगे ध्यान से तो सबसे ज्यादा कॉम्पिटिशन आपका जो है एलएलबी में, जो कि लिखा भी हुआ है, एलएलबी के एक सीट पर 25 दावेदार और बीकॉम में 21 दावेदार, यानी कि बीकॉम और एलएलबी के कोर्सेज में कंपटीशन ज्यादा है। तो आई होप कि मेरी इतनी बात आप समझ गए होंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आप जानते ही होंगे कि काशी विद्यापीठ ने 3 कोर्सेज में अपना एंट्रेंस एग्जाम कराया था और 35 यानी 35 कोर्सेज में नन एंट्रेंस। इसमें नन एंट्रेंस का मतलब कि वहां पे डायरेक्ट एडमिशन होना है, उसकी भी प्रक्रिया शुरू होगी काउंसलिंग की सभी के साथ, कहने का मतलब ये है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे आप रिजल्ट के बारे में, देखिए रिजल्ट यहाँ पे देखिए लिखा गया है, इसी सप्ताह प्रवेश परीक्षा का परिणाम जारी होने की संभावना है। हालांकि जैसे कि मैं आपको कहता ही हूँ कि इसको हम कंफर्म नहीं मान सकते हैं, ये अच्छी बात है विद्यापीठ तैयारी करे, विद्यापीठ इसको रिलीज कर दे, रिजल्ट तो बहुत अच्छी बात है, गुड एंड वेल है, लेकिन हमें नहीं लगता कि इतना जल्दी रिजल्ट जारी करेंगे। अब देखने का विषय होगा कि ये अपना रिजल्ट कब तक जारी करते हैं। हालांकि हमें जहां तक लगता है कि एक हफ्ते के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि अभी विद्यापीठ नैक की तैयारी और यूजीसी नैक की टीम आ रही है और विद्यापीठ का पूरा प्रशासनिक जो अधिकारी है वो सब कुछ अपने नैक के विजिट जो टीम करने वाली है सितंबर में 2 से 4 के बीच, उसी की तैयारी में जुटी हुई है। तो बस इतना आपको हमें अपडेट देना था। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए नेक्स्ट स्टडी। बहुत बहुत शुक्रिया।